हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में बताया भैया पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है और इस वीडियो की थोड़ी सी हिंट भी मैंने दे दी थी कि भैया सेकंड नॉर्मल फॉर्म अभी हमने इसमें देखना है। इस वीडियो में वही पिछला एग्जांपल है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये वो की थी, ये वो पार्शियल डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से रिडंडेंसी आ रही है। तो चलो हम लोग इसे अभी क्या करते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है बी गिव सी, बिकॉज लेफ्ट side of this functional dependency is a part of a key and part of a key is deriving a non-key attribute, C is a non-key attribute। और इस partial dependency की वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे redundancy आ रही है। Clear you can see यार ZR repeated हो रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, I don't want redundancy। तो मैंने क्या किया, चलो इसको decompose करते हैं। कैसे करेंगे decompose? Simple सी बात है, एक ये एक relation ले लो, ये मेरा R1 है, ये R2 है बराबर, और ये मेरा R है बराबर, तो मैंने इसको R1 एंड R2 दो में डिवाइड कर दिया। एक R1 में मैंने A भी लिया, R2 में मैंने B सी लिया बराबर, एक एंड दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, ऑब्वियसली दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट B है, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट B है। अभी मैंने क्या किया, A B के जितने भी टपल्स हैं वो सारे के सारे लिख दिए बराबर, एक नहीं 1x, 2y, 1z, 3z, 4z, 5z, ये लिख दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे BC को देखोगे ढंग से, इफ यू सी, इफ यू लुक इन टू BC केयरफुली, जहां पे xp था, yq था, zr था, यहां पे इट इज रिड्यूस टू 3 टपल्स ओनली। क्यों? बिकॉज ये एक मेरा यूनिक टपल है, ये वापस रिपीट नहीं हुआ, ये भी एक यूनिक टपल है, लेकिन जो zr है यहां पे एंड हो जाता है, zr जो है मेरा यहां पे एंड हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता, बिकॉज zr इज कॉमन इन ऑल। तो एक ही अगर लिया, दिस इज इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम बराबर, लेकिन तो मैंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो अभी मैं देखता हूं कि R1 और R2 के ऊपर कौन कौन सी डिपेंडेंसी होल्ड करती है। अगर आप R2 के ऊपर देखोगे, B gives C, ये डिपेंडेंसी होल्ड करती है, मतलब गिवन वैल्यू ऑफ B, आई कैन आइडेंटिफाई C, आई कैन डिटरमाइन C, तो उस वजह से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, B जो है क्या है, B क्या है मेरा, B इज माई key attribute for this relation R2, B क्या है मेरा key attribute है for relation R2, and बड़ी ही interesting बात ये है कि R1 and R2 का common attribute कौन सा है, B है। तो जैसे मैंने कहा था lossless decomposition के लिए, lossless decomposition के लिए जो सबसे primary जरूरत है कि भैया जो भी आप decomposition करो तो उस decomposition में जो common attribute होगा that should be a key, that should be a key in any of those two decompositions or two tables। तो यहाँ पे वो R1 में तो key नहीं है, लेकिन R2 में मेरा जो B है वो key है, R2 में मेरा जो B है वो एक key attribute है, and therefore this is perfectly okay क्योंकि ये मेरा lossless decomposition है, ये मेरा क्या है, lossless decomposition। लेकिन अगर एक चीज आप गौर से देखोगे तो जो मेरी ये function dependency थी, AB gives C, ठीक है, तो ये वाली जो function dependency वो अभी loss हो गई है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, क्योंकि इसके लिए मुझे कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, ए बी और सी, जो कि मुझे चाहिए दोनों में से, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहे, यहाँ पे ए बी है लेकिन सी नहीं है, यहाँ पे बी सी लेकिन ए नहीं है, सो देयरफॉर दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज लॉस्ट। इसीलिए ये जो डिकम्पोजिशन है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो नहीं है लेकिन 100% लॉसलेस है। तो दिमाग में ये रखना कि जो कंपल्सरी कंडीशन है फॉर डिकम्पोजिशन, जो कंपल्सरी कंडीशन है वो ये है कि वो लॉसलेस होना चाहिए, लेकिन अगर वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं हुआ तो भी चलता है, समझ में आ गया ना। सो लॉसलेस होना ही चाहिए लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो या ना हो चलता है, हो या ना हो चलता है, लेकिन लॉसलेस इज अ वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस। भैया आपका डिकम्पोजिशन लॉसलेस होना ही चाहिए, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो ना हो चलता है, ठीक है। तो इस केस में मैंने इसको इस तरीके से डिकम्पोज किया इंटू आर वन एंड आर टू, और जो रिडंडेंसी थी वो रिडंडेंसी थी वो मैंने उसको रिड्यूस कर दिया। एंड प्लस अगर आप ढंग से देखो तो इसमें इन दोनों टेबल्स में कहीं भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अब ये मेरा क्या है, की है, दिस इज अ की एट्रीब्यूट, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल, दिस बी इज अ की एट्रीब्यूट, सो दिस की एट्रीब्यूट इज गिविंग राइज टू अ नॉन की एट्रीब्यूट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ की, इट इज अ की। पहले अगर आपने देखा तो बी जो था वो मेरा पार्ट ऑफ की था, मतलब ए बी में से सिर्फ मैंने बी लिया था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ की, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल के लिए बी इज अ प्रॉपर की,
not a part of a key, it's a proper key. Hence, it is not having any partial dependency, and hence we have just converted this table into second normal form by eliminating partial dependency. ये वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आ गया होगा, आपको informative लगा होगा, आपके exam में कहीं ना कहीं मेरी थोड़ा सा contribution होगा, मेरा थोड़ा सा help होगा, तो आप भी मुझे help कर दीजिए, contribute कर दीजिए by doing those three magical things जो कि बिल्कुल free है और सिर्फ आप कर सकते हो. इस वीडियो को like, इस वीडियो को share और मेरे channel 5 Minute Engineering को subscribe करना बिल्कुल ना भूलना. Thanks a lot दोस्तों for watching this video.